मायावती जी को देंगे। क्यों दोगे मायावती को? बिल्कुल, क्योंकि जो भी किया है उन्होंने अच्छा किया है हमारे लिए, दलितों के लिए अच्छा किया है। और इस बार 2022 में मायावती जी की सरकार आएगी। योगी जी अच्छा काम नहीं कर रहे भी आ रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें क्या लगता है, क्या किया योगी जी ने लखनऊ में? कुछ, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं, मेरे लिए तो कोई काम नहीं किया। क्या चाहते हो वैसे? हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें अच्छी जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, और हमारे लखनऊ का विकास हो। विकास नहीं हुआ 5 साल? बिल्कुल नहीं हुआ। क्या हुआ दिखाइए हमें। बहन जी ने तो इतना विकास कर दिया। बहन जी ने विकास किया है, पूरा विकास किया है। आएगी सरकार तो और विकास होगा, ये जो छूटा हुआ है वो भी विकास होगा। एजुकेशन कैसी चल रही है आपकी? एजुकेशन अभी तो बिल्कुल कोरोना की वजह से सब रुका पड़ा हुआ है। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब मायावती जी की सरकार आएगी सब होगा। सब होगा, उसी सरकार में होगा सब। ऑनलाइन पर लग तो नहीं रहा आसार उनके जीतने के। क्यों नहीं लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? सब होगा। आप लड़की है, सुरक्षा कैसी है यहाँ पर? सुरक्षा वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, जैसे कि हाथरस में हुआ था, एक दलित लड़की के साथ हुआ था, उसे तो जला के राख भी कर दिया गया, पता नहीं चला आज तक कि कोई सुनवाई तक नहीं हो रही है। तो क्या होगा? इसीलिए हम चाहते हैं। योगी जी कह रहे हैं हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। कहाँ हो रही है, हमें तो नहीं लग रहा है। तो क्यों कह रहे हैं? दिन पर दिन रेप हो रहे हैं, क्या हो रहा है, हमें तो नहीं लग रहा कुछ। कह रहे हैं गुंडे यूपी छोड़कर भाग गए, हमें तो नहीं दिख रहा है। कैसे उन्हीं के होंगे? मतलब झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हमें नहीं पसंद है योगी जी, वो तो सुरक्षा के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हमें तो नहीं लगता है कि वो सुरक्षा कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा किया है? कितनी लड़कियों का रेप हुआ है हमें बताइए। कितने लोगों का केस ऐसे पड़ा हुआ है, और कितने लोगों का कोई सुनवाई नहीं होती है सरकार में? कोई सुनवाई नहीं होती? कोई नहीं। कहाँ हुई? अच्छा ये आप बता दीजिए कि हुई है सुनवाई? कोई भी हुई है? कोई पास हुआ है हमें बताइए। कह रहे हैं हमने जेल में भेज दिए सारे लोग, हमें दिखाएं, चाहे उन्नाव का मामला हो हमें दिखाएं। तो हम लोगों का वोट जो है एकदम जो कहीं इधर उधर नहीं है, हम लोगों का फिक्स वोट रहता है। और ये लोग जो है हम लोगों का मेन युवाओं का जो मुद्दा है शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, अगर तीन चीज़ें पे ये लोग काम करेंगे तो हम लोग युवा लोग ना ही रोड पे आएंगे, हम लोग जो है हर चीज़ में सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि जो है हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र सारे लोग, तो हिंदू चाहे राष्ट्रपति हो चाहे मुख्यमंत्री हो, लगा के हर लोग हिंदू हैं, ये कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को अपाहिज किया जा रहा है, ये मुफ्त की चीज़ें हम लोगों को दे दे के जो है अपाहिज किया जा रहा है। हम लोगों को मुफ्त की चीज़ें नहीं चाहिए, हमें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार चाहिए। जितने लोगों को इन्होंने टिकट दिए इस बार हैं सारे कहीं बलात्कारी हैं, कहीं गुंडा राज हैं, सारे लोग ऐसे ही हैं, क्या वो लोग विकास करेंगे? सब कहीं मतलब जो भी लोग जो है कहीं कहीं से आए हुए हैं ना, इनको टिकट मिल गया है, कोई मतलब इनके विकास नहीं करेगा। वो तो सपा पे आरोप लगा रहे हैं ना। कोई सपा पे नहीं है, सपा समाजवादी पार्टी हो बीजेपी हो, सब आरएसएस के लोग हैं, सब ऐसे ही सब में के मिले हुए हैं। सब मतलब कुछ भी कह सकता है, कहने को तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन करके दिखाए ना। और वो कहते हैं कि 5 किलो राशन दे दिया, राशन कहाँ से आता है? अच्छा ये बताइए, खेत से आता है ना? खेत किसने दिया? खेत हमारी बहन जी ने दिया है। तो पट्टे दिए थे लोगों को, तो दिया है तभी वहीं से तो राशन है। किसानों ने इतनी मेहनत की, वहीं से राशन आया है, ऐसे ही नहीं आ गए। वो कह रहे किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, सम्मान निधि क्या किया? एक साल तक धरना प्रदर्शन किया है, उसके बाद जाके पता नहीं कैसे सुनवाई कर दी, तब जाके जब चुनाव आया तब इन्होंने जो है किया, लोग मारे गए। तब जब चुनाव आया है तब तो इन्होंने पास किया है बिल। अच्छा, चुनाव के डर से क्या है क्या ये? और क्या, बिल्कुल चुनाव के डर से ही कहते हैं। बस बताइए आप लोगों से मिलते किलो राशन कहते हैं कि बस खाली मार्च तक मिलेगा, उसके बाद आप अपने फ्रेंड और से मिलते हैं, क्या कहते हैं लोग, किसकी सरकार बनने की? बिल्कुल मायावती जी की सरकार आएगी, मायावती। हाँ, इस बार इनको हारना तय है, इसीलिए जो है बाबा जो है अपना जहाँ से आए थे वहीं चले गए हैं। इस बार इनको कोई नहीं बचा सकता है, और बाबा जी जो है अगर हमारी बात आप तक पहुँचे तो आप जो वहीं घंटा बजाइए, आपका यहाँ जो है आपका शासन प्रशासन जो भी आप देश चला रहे हैं प्रदेश चला रहे हैं आपके बस की नहीं है, आप जहाँ से हैं वहीं जाइए, आपका यहाँ कोई वो नहीं है। क्या वाकई में लगता है कि बाबा जी का सरकार नहीं चल रही है? हाँ बिल्कुल नहीं चल रही है। और वो तो कह रहे बड़ा अच्छा शासन चलाया, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद के बीच में, ये उनका कहना सिर्फ मंदिर और मस्जिद के बीच की बात है, उनके अंदर उनका देश संभालने का काम। कोई संत बाबा सीएम नहीं बन सकता क्या? बन सकता है, ऐसा थोड़ी ना बन सकता है, पर उसके कर्म तो अच्छे होने चाहिए, काम तो अच्छे होने चाहिए। तो कर्म अच्छे नहीं है? बिल्कुल नहीं है, कौन से अच्छे हैं, अंदर ही अंदर घोटाला होता है। अमित शाह भी बोले थे
क्या बोले थे कि जम्मू कश्मीर में बोले थे कि 12 बजे रात को लड़की अगर निकल जाए तो उसका रेप नहीं होगा और चोरी नहीं होगी उसकी, ऐसा कैसा? तो वैसे भी जनता भी फिसल जाएगी ना, तो जब बहुत फेंकते हैं, फेंकने में जो माहिर हैं इसीलिए जो है कहीं ना कहीं मतलब पीछे हो जाते हैं। फेंकने से नहीं होगा क्योंकि अब हर युवा जागरूक हो गया है, अब समझ रहा है कहाँ हमें रोजगार मिलेगा, कहाँ विकास होगा, कहाँ पे हमें शिक्षा मिलेगी, कहाँ हमारा स्वस्थ होगा। हर युवा वाकई में जागरूक होगी, यूपी की जनता काहे नहीं। बहन कुंवारी मायावती की सरकार आने दीजिए और आएगी सरकार और जो है अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छा रोजगार मिलेगा लोगों को। हम लोग वादा नहीं करते रोजगार पे, कहाँ वोट होता है यूपी में? कोई जाति पे देता, कोई धर्म पे देता सर, कोई अपने समाज के नाम पर? धर्म और जाति पे वही लोग करते हैं जो जुमला में के जो वहाँ से जुड़े हुए हैं। गोत्र भी देखे जा रहे हैं तो गोत्र हम लोग नहीं देखते, हम लोग जो है सिर्फ शिक्षा स्वस्थ रोजगार देखते हैं और जो इस पे काम करेगा वही उस इस देश पे राज करेगा। दिक्कत क्या है मतलब कि वो सब जाति पे वोट मांगते हैं, जाति पे ही वोट मांगते हैं। वो कह रहे हैं वो कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और हम लोग क्या कहते हैं जो संविधान को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो देश राम से चलेगा, संविधान से चलेगा, तो फिर वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उनकी विचारधारा, वो आरएसएस के लोग हैं, वो उनकी जो है वही उनकी मतलब रणनीति है, हिंदू मुस्लिम करते रहो, बस इस देश पे राज करते रहो। लेकिन अब ये चलने वाला नहीं है, जनता समझ चुकी है। आप जहाँ से गुमराह नहीं हो गए आप लोग हिंदू मुस्लिम? हम कोई गुमराह नहीं हुए हैं, हम लोग जो है सुरक्षित हैं, जहाँ भी हैं हम लोग वोट बहन कुंवारी मायावती करेंगे और जो है बहन कुंवारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाएंगे 22 में और जो भी होगा 24 में हम लोग उनको। ऐसा नहीं लगेगा आपको जब वोट बेकार ना हो जाए? कोई बेकार नहीं, हम लोग एकदम से हमारा वोट फिक्स है, कहीं इधर उधर वोट जाने वाला नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को रोकना तो सपा को वोट दे दो। ऐसा नहीं है, कहने से क्या हर चीज होता है? नहीं होता है ना, हम कुछ और बोलते हैं वो सामने वाला कुछ और बोलता है, तो सबकी एक बात नहीं हो सकती। दलितों का हित नहीं है क्या सपा में? नहीं, हमें तो नहीं लगता होना चाहिए। क्यों लगता है आपको नहीं? क्योंकि वो ऐसा काम ही नहीं कर रहा है। कह रहे हैं जो गलती हमसे पहले हुई अब नहीं होंगी, वही बार बार हो रही हैं, बार बार हो रही, वही गलतियां कर रहे हैं, दूसरों को लगा करके करवा रहे हैं, अपना पीछे रह रहे हैं। कह रहे नई सपा है इस बार? ऐसा नहीं है, पुरानी ही सपा है। जब हर हमने देखा है, हम भी एक संगठन से जुड़े हुए हैं, हम भी एक सामाजिक सोशल वर्कर हैं, हमने देखा है समाजवादी पार्टी में इतनी ये टिकट बांटने में सबसे बड़ी इनकी गलतियां हुई। जो आदमी 5 साल से मेहनत कर रहा है और जो है वही बीजेपी का पक्ष में वहां पे मतलब ख़राब काम कर रहा है, हम लोग उसके पक्ष में खड़े हुए हैं कि आप ऐसा ना करो, और वही आज मतलब कि बीजेपी छोड़ के सपा में चला जाता है उसको टिकट मिल जा रहा है, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर जो काम कर रहा है उसको टिकट नहीं मतलब कि मिला। सबसे बड़ी इनकी कमियाँ हुई। तो आपकी पार्टी में भी हो रहा है? हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है, बहन कुंवारी मायावती ने सर्वे किया है, ज़मीनी स्तर पर सर्वे किया है, और बहन कुंवारी मायावती ने जो भी किया है अच्छा किया है और उनके हम साथ हैं। जी क्या है माहौल लखनऊ का? लखनऊ का माहौल, अरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही भैया। अच्छा, क्या समीकरण? क्या समीकरण? देखिए ऐसा है, आप हमेशा से देखते आए हैं कि जब भी चुनाव हुए हैं आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बसपा का साइलेंट वोट कभी कटा नहीं है। और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं ये रोजगार पे चुनाव हो रहे हैं, महंगाई पे चुनाव हो रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था पे चुनाव हो रहे हैं, जो लोगों पे जुर्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बेटियों की जीभ काट ली जाती है, उन्हें रात में जिंदा जला दिया जाता है, ये आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। ये मंच आप कह रहे हैं रोजगार पर, विकास पर, शिक्षा पे चुनाव हो रहा है, ये मंचों पर नेता क्यों कह रहे हैं चर्बी निकाल देंगे, गर्मी निकाल देता है? इस देश में एक सोची समझी राजनीति के तहत कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, देश के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं और वो अपने स्वार्थ के चक्कर में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरे प्रदेश के लोग, महिलाएं, पुरुष और सभी बच्चे। जो नेता तो जनता की सेवा के लिए होता है, उसको अपना नेता सेवा करने के लिए होते हैं। आपने अभी हिंदू धर्म पे जिक्र किया था, हिंदू कोई धर्म नहीं है, पहली बात हिंदू धर्म नहीं, हिंदू धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे लोगों को बांटने का काम किया जाता है, ऊंच नीच जाति पाति भेदभाव, जिस समाज में जिस धर्म में ये चीजें व्याप्त हो उसे धर्म नहीं कहा जाता है, उसे धर्म की संज्ञा देने वाले लोग मूर्ख होते हैं। आप तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, धर्म तो सबको बराबर, हमारा संविधान सबको बराबर रख रहा है, तो संविधान में मान लिया आस्था हमारी भी है भगवान से, हमें भगवान का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे 25 साल व्यवस्था तो धर्म ही बनाता है ना सर? हाँ, तो वर्ण व्यवस्था धर्म बनाता है, तो धर्म हमारे समाज के लिए घातक है, हमारे देश के लिए खतरनाक है, धर्म के आधार पर हम बटते जा रहे हैं, और अगर ऐसा ही होता रहा देश के लिए पूरी दुनिया के लिए खतरा, पूरी दुनिया के लिए खतरा है, अब हम एक नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ा है इंसानियत का मार्ग, और जो इंसानियत के मार्ग पे चलेगा उसी से देश का भला होगा, कल्याण होगा। गौतम बुद्ध ने यही तो सिखाया है
कि मतलब जो मानवता होती है, जो समता और स्वतंत्रता और बंधुता की बात कही, तो बाबा साहब ने, इसीलिए हम बाबा साहब को जो है दुनिया आदर्श पुरुष के रूप में देखती है कि चाहे उसका जो है, यानी जब कोई वोट लेना होता है या जहां सामाजिक परिवर्तन की बात होती है, तो वहां हरदम बाबा साहब को याद किया जाता है।